फिल्म राम और श्याम में दिलीप कुमार ने बैक वक्त दो किरदार अदा किए और फिर ये फिल्म इंडस्ट्री में एक कामयाब फिल्म साबित हुई। दिलीप कुमार ने यूं तो पहले भी कई फिल्मों में हल्का फुल्का मिजाहिया अंदाज अपना रखा था, जैसा कि फिल्म को नूर में देखते हैं, लेकिन फिल्म जोगन, दाग, दीदार, संग दिल, शिकस्त, फुटपाथ और देवदास के बाद उनकी पहचान ट्रेजिडी किंग की बन गई थी। इसलिए जब फिल्म राम और श्याम आई तो लोगों ने दिलीप कुमार के इस नए अवतार को बहुत पसंद किया और उन्हें इस फिल्म के लिए बेहतरीन अदाकार के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। ये फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। दिलीप कुमार ने इस फिल्म को पसंद करने की वजह ये बताई थी कि इसके स्क्रिप्ट ने उन्हें बे इंतहा तहरीक दी। इस फिल्म के बहुत सारे किस्से मशहूर हैं कि दिलीप कुमार के मद्दाहों के दरमियान इस बात का फैसला मुश्किल था कि दिलीप कुमार ने राम का किरदार ज्यादा अच्छी तरह निभाया या फिर श्याम का। राम एक खौफजदा, बुजदिल और खुद में सिमटा हुआ इंसान है, जबकि श्याम चंचल, शोख, रंगीन मिजाज और चैलेंज कबूल करने वाला नौजवान है। इस फिल्म में वहीदा रहमान, मुमताज और परान के साथ नाजिर हुसैन, नरोपा राय और मुकरी के अहम किरदार हैं।